सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी। हेलो गाइज, वेलकम टू टेक अमानत ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से व्लॉग बनाते हो, दोस्तों व्लॉग अगर आप अपने चैनल से बनाते हो, अपने चैनल पे अपलोड करते हो, तो बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के पास उस तरीके से इक्विपमेंट नहीं होता। इक्विपमेंट कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे देख सकते कि ट्राइपोड है, ठीक ना, यहाँ पे देख सकते कि मेरे पास एक ट्राइपोड है। जो ट्राइपोड में क्या होता है कि इस ट्राइपोड में यहाँ पे मैं फ़ोन लगा देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है बोया बाय MM1 का कैमरा लगा, ये माइक लगा हुआ है, मैं इसको फ़ोन में लगा के ऐसे बनाता हूँ। जब बनाने के बाद जब वीडियो हमारा बन करके तैयार हो जाता है तो क्या होता है, वीडियो सेकी सेकी सा बनता है। वो क्यों सेकी सेकी सा बनता है मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। सेकी सेकी सा इसलिए बनता है दोस्तों क्योंकि आपके पास जो है वो आईफोन नहीं है। दोस्तों आपके पास आईफोन नहीं है, आपके पास एक एंड्रॉयड है, ठीक ना। और जब एंड्रॉयड से आपका वीडियो बनता है तो एंड्रॉयड में क्या होता है कि वीडियो की स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती है, जिस वजह से आपका जो व्लॉग है वो बिल्कुल हिलने लगता है। तब आप क्या सर्च करते हैं, सर्च करते हैं कि स्टेबल जो है वो व्लॉग कैसे बनाए। तो आप यूट्यूबर्स लोग आपको बताते हैं कि भाई ये वाला गिम्बल ले लो, गिम्बल का दाम 7,000, 8,000, 25,000 तक इस तरीके से जो है वो मोजा का गिम्बल मिलेगा। तो इस तरीके से गिम्बल ले लो, और गिम्बल लेने के बाद क्या होगा कि आप जब व्लॉग बनाएंगे तो आपका व्लॉग हिलेगा नहीं, ठीक है। या फिर वो आपको बोलेंगे भाई आप आईफोन ले लो, आप एक आईफोन ले लो, अगर आप आईफोन ले लेते हैं तो आपका वीडियो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आपका व्लॉग बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी आईफोन नहीं लेना है और ना ही आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अगर मैं आप सभी को एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊं कि भाई अगर वो एप्लीकेशन आप यूज़ करोगे तो एप्लीकेशन यूज़ करने की वजह से आपका वीडियो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, आपका व्लॉग बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। मैं टोटली आज दो तरीका आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको दो तरीका समझ में आ गया दोस्तों तो आप आज से व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका व्लॉग खराब होगा, ठीक है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीके के बारे में मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। पहला तरीका क्या होता है कि दोस्तों एक फ़ोन होता है, ठीक ना, मान लीजिए एक फ़ोन होता है तो आपके फ़ोन में इस तरीके से कैमरा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ 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 कैमरा दिया हुआ, और यहाँ पे दोस्तों एक आपका फ्लैश लाइट होता है, ठीक ना, इस तरीके से। तो बेसिकली बता दें कि ये जो कैमरा होता है आपका, तो ये कैमरा आपका हो जाता है कौन सा, ये कैमरा हो जाता है दोस्तों आपका जो है वो मेन कैमरा, ठीक है। यानी कि ये आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, ठीक है। या फिर दोस्तों अगर आपका बात करें कि ये जो कैमरा है, ये कैमरा कौन सा हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है आप सभी का जो है वो एक ये क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो कैमरा, ठीक है। यहाँ पे हो गया माइक्रो कैमरा, माइक्रो कैमरा। और अगर बात करें हम लोग एक और कैमरा के बारे में, जिस कैमरा का नाम दोस्तों यहाँ पे है, इसको देख लीजिए, ये होता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, ठीक है, अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो अल्ट्रा वाइड में क्या होता है कि जब आप अल्ट्रा वाइड से व्लॉग बनाते हैं तो अल्ट्रा वाइड से व्लॉग बनाने के बाद क्या होता है कि वो आपका ज़्यादा जो है वो एरिया कवर करता है, ठीक ना, ज़्यादा एरिया कवर करता है। और ज़्यादा एरिया जब वो कवर करता है और जब आप इससे वीडियो बनाते हैं तो वीडियो आपका बिल्कुल भी नहीं हिलता है, वीडियो आपका बिल्कुल ही स्टेबल बनता है, ठीक ना। ये तो हो गया पहला तरीका कि अगर आपके फ़ोन में एक अल्ट्रा वाइड का कैमरा दिया हुआ है तो उसी कैमरे से आप व्लॉग बनाएंगे दोस्तों, आपका व्लॉग बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ कि आपके पास कोई भी नॉर्मल सा फ़ोन है, यानी कि आपके पास जो है वो रेडमी का फ़ोन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ओप्पो का फ़ोन है, आपके पास वीवो का फ़ोन है, आपके पास सैमसंग का फ़ोन है दोस्तों, आपके पास अगर पोको का फ़ोन है, अगर इसमें से कोई सा भी फ़ोन है और आपके फ़ोन पे अगर अल्ट्रा वाइड का जो है वो अल्ट्रा वाइड का कैमरा नहीं दिया हुआ है तो आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल कैमरे से आपको एक कोई भी व्लॉग शूट कर लेना पड़ेगा, या फिर आप उसको जो है वो 10 मिनट का शूट करें, या फिर आप उसको 8 मिनट का शूट करें, कितना भी मिनट का आपको शूट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। शूट करने के बाद बेसिकली दोस्तों आपको करना क्या है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। साइड में यहाँ पे देखते देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से जो है वो अपना फ़ोन ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक गूगल फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को बेसिकली आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी में जाने
करने के बाद जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड किए हुए रहेंगे उस वीडियो से आप उस फुटेज को उठाएंगे। फुटेज को उठाने के बाद दोस्तों उस वीडियो को प्ले करेंगे। जब वीडियो प्ले होगा तो आपको दिखेगा कि भाई वीडियो हमारा बहुत सही सही सा बन रहा है, लेकिन नीचे आपको 3 लाइन दिख रहा होगा इस तरीके से, जिस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। और जैसे ही आप एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे साइड में आपको एक डब्बा बना हुआ दिख जाएगा, जो कि डब्बा कुछ इस तरीके से बना हुआ रहेगा। और दोस्तों ये होता है स्टेबिलिटी, यानी अगर आप इसको स्टेबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपका जो भी वीडियो बना हुआ रहेगा ना, वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्टेबल देखने के लिए लगेगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से अगर व्लॉग बनाते हैं और व्लॉग बनाने के बाद गूगल फोटोज़ की मदद से एडिट करते हैं, कोई क्वालिटी वगैरह ख़राब नहीं होगा, तो दोस्तों आपका वीडियो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से यूट्यूब पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका वीडियो देखने में भी अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि लोग पूरा देखते हैं, ठीक ना। तो जब पूरा देखेंगे, जब भी आपका वीडियो अच्छा रहेगा तभी लोग पूरा देखेंगे। तो इस तरीके से जाइए और आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, आपका अच्छा खासा यहाँ पर से व्यूज़ जाने वाला है। और दोस्तों आपका जो व्लॉग है उसका एक्सपीरियंस भी आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को हमेशा लाइक करते जाइएगा, चैनल पर ना तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी के साथ रियल और जेन्युइन वीडियो हमेशा ही शेयर करता रहता हूँ।